नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। से चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पश्चिम बंगाल के हुगली में पेड़ से लटका मिला भाजपा कार्यकर्ता का शव, भाजपा ने टीएमसी पर लगाया आरोप। पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक पैन के दोबारा इस्तेमाल के 3 मॉडल सुझाए, बाई बैक की नीति पर विचार। मुंबई में पूर्व नौसेना अधिकारी के साथ मारपीट के विरोध में उतरे 600 से ज्यादा पूर्व सैन्य अधिकारी। लोकसभा व्यापार सलाहकार समिति की हुई बैठक, ओम बिरला ने की अध्यक्षता। कश्मीरी पंडितों ने की घर वापसी की मांग, पीएम मोदी से निर्वासन खत्म कराने की अपील। एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन की संबंधों के लिए जरूरी है बहुध्रुवीयता और आपसी व्यवहार को स्वीकारा जाना। संसद सत्र का बदला बदला सा होगा नजारा, मोबाइल ऐप से लगेगी हाजिरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए जारी की एसओपी। नारायण सामी ने कहा केंद्र में कांग्रेस आई और राहुल बने पीएम तो हम रद्द कर देंगे नीट परीक्षा। पश्चिम बंगाल में 35 लाख का गांजा बरामद, पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल की शुरुआत में आ सकती है कोरोना वैक्सीन, सुरक्षा पर सवाल उठेंगे तो पहली खुराक खुद लूंगा। भारत चीन विवाद पर चर्चा के लिए मंगलवार को होगी दोनों सदनों की नेताओं की बैठक। ऑफिस के बाद कंगना रनौत के घर पर बीएमसी की नजर, अवैध निर्माण को लेकर भेजा नोटिस। फिल्म इंडस्ट्री को एक और झटका, मशहूर अभिनेता अजीत दास का निधन। यूएस ओपन में पहला सेट हारने के बाद 26 साल में फाइनल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी ओसाका। कोरोना वायरस से उबर कर पीएसजी टीम में लौटे स्टार फुटबॉलर नेमार। भारत पाक सीमा से सटे हीरानगर में बनेगा अरुण जेटली के नाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बाइट डांस ने ठुकराया माइक्रोसॉफ्ट का प्रस्ताव, नहीं बेचेगी टिकटॉक की हिस्सेदारी। ट्रांसजेंडर के हत्या के दोषी अमेरिकी नौसैनिक को फिलीपींस ने किया निर्वासित। इसराइल में 3 हफ्ते का लॉकडाउन, पीएम बेंजामिन ने किया ऐलान। चीन ने अमेरिका पर किया तीखा हमला, विश्व शांति के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। इसराइल के बाद अब यूएई ने अमेरिका से किया प्रतिरक्षण समझौते पर करार। पाकिस्तान में मानहानि मामले में शहबाज शरीफ ने इमरान के खिलाफ दायर की याचिका। यूपी में 7 जिलों के कप्तान बदले और 10 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। आईपीएल से पहले भावुक हुए मोहम्मद शमी, कहा उसे महीनों से नहीं देखा, बहुत याद आती है।